हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि पोको M4 5G फ़ोन में आप लोग रैम को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक पोको M4 5G फ़ोन है गाइस, उसमें जो है आप लोगों को रैम को इंक्रीज़ करना है, तो रैम को कैसे आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रैम को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा नीचे ही एक ऑप्शन मिलेगा गाइस मेमोरी एक्सटेंशन का, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं मैंने पहले से ही रैम को इंक्रीज़ करके रखा है। अगर आपने इंक्रीज़ नहीं किया है तो इसको ऑन करना होगा। ऑन कर लिए सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे एक रिबूट का ऑप्शन आएगा, रिबूट पे क्लिक कर दीजिए। आपका फ़ोन एक बार स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और आपका जो रैम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे करके भी आप लोग रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद और क्या कर सकते हो गाइस जिससे कि आपका रैम जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और आपका फ़ोन बहुत ही फास्ट हो जाए, तो उसके लिए जो है आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर एक एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर एक विजन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिमूव एनिमेशन का, इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करते ही देख सकते हैं आपका फ़ोन जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा फ़ोन कितना फास्ट हो गया है। तो आप लोगों को इसको ऑन करने से भी आपका जो रैम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा जैसा लगेगा आप लोगों को। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपका फ़ोन जो है बहुत फास्ट हो जाने वाला है। आप लोग ये ऑन करके अपने दोस्त के पास अपने फ़ोन को दे दीजिए, वो गाइस आपको बोलेगा ही नहीं कि आपका फ़ोन जो है वो सिर्फ 4 GB रैम या 2 GB रैम का है। वो बोलेगा गाइस ये तो 8 GB रैम का फ़ोन है, क्योंकि इतना फास्ट आप लोगों का फ़ोन हो जाने वाला है। तो ऐसे करके भी जो है आप लोग अपने पोको M4 5G फ़ोन में रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।